सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग? और गाइज, आप सबका स्वागत है यहाँ पे आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के प्राइमल फियर के एक और नए एपिसोड में। तो आपके लिए गाइज एक खुश खबरी है और एक दुख खबरी है भाई, ठीक है? अभी आप सबसे पहले कौन सी खबरी सुनना चाहोगे भाई, मेरे को बताओ। चलो आपको खुश और दुख खबरी दोनों सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे यार गेमिंग विद्याने के चैनल पे, जिन्होंने अब तक उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, गाइज नीचे एक भाई छोटा सा लाल बटन दिख रहा होगा यार सब्सक्राइब का, उसको फटाक से दबा के गाइस सब्सक्राइब कर दो यार। और गाइस यहाँ पे जो है ना गाइस, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने भाई हमारा व्लॉगिंग चैनल नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि उस पर एकदम खतरनाक एंड ओपी सा जोलो चिप जो चैलेंज है ना गाइस, वो आने वाला है मेरा और एनी का दोनों का गाइस। तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देख लेना। और एनी भी 70,000 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा नजदीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब करके गोल कंप्लीट जरूर से कर देना। तो चले भाई लोग, आज का जो एपिसोड है वो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, फुल टू तबाही मचा। और गाइस यहां पे कुछ खबरी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, पिछले एपिसोड में तुम्हारे भाई ने फाइनली बफोन फ्यूरॉक्स टेम कर लिया था। यस यस गाइस, आपका प्यारा राम दुलारा बफोन फ्यूरॉक्स तुम्हारे भाई ने टेम करा था, ये रही कुछ खबरी। अभी दुख वाली खबरी, दुख खबरी ये है कि यहां पे तुम्हारा भाई जब उसका डैमेज टेस्ट कर रहा था, उसको मैंने मैक्स लेवल भी नहीं करा था, मैं जस्ट जब उसका डैमेज टेस्ट कर रहा था, तब वहाँ पे एक बंदर आया और बंदर ने जो ना गाइज अपना पॉटी अटैक डाला, वो भाई डिमोनिक वाला बंदर पता ही है आपको, उस बंदर ने पॉटी अटैक डाला और मैंने बचने की काफ़ी कोशिश करी उसके भाई पॉटी अटैक से, लेकिन मैं बच नहीं पा रहा और मेरी वहाँ पे पेटी बन गई। बफोन अपना भाई फ्यूरॉक्स अभी तक जिंदा है, लेकिन कितने टाइम तक जिंदा रह पाएगा मेरे को पता नहीं भाई, इसलिए मेरे को अभी आज के एपिसोड में उस बफोन फ्यूरॉक्स को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे जाना है और उसको बचा के लेके वापस यहाँ पे आ जाना है भाई, ठीक है? और इसके लिए जो ना गाइज हम यहाँ पे आपको लगेगा कि अरे यार तुम रोडॉल्फ लेके जा रहे हो, रोडॉल्फ क्या करेगा? तो रोडॉल्फ को मैं वहां पे लेके नहीं जा रहा, बस उसके नजदीक पहुंचने के लिए हम रोडॉल्फ को यूज करेंगे और हमारा जो खतरनाक सा पेगासस है ना गाइस, वो आगे का सारा काम कर लेगा। एक और बर्निंग अटैक जो ना गाइस हमारा बफोन फ्यूरॉक्स झेल नहीं पाएगा, मैं आपको वापस से बता दूं, अगर उसके ऊपर एक और भाई यहां पे बर्निंग अटैक पड़ा ना, तो उसकी समझ लो पीटी बन जाएगी भाई, ठीक है? तो ये रहा वो एरिया जहां पे मेरे को लैंड करना है, काफी बढ़िया। अबे यार भेज क्या, किधर आ जाना अंकल? उसके बाद गाइज ये रहा हमारा भाई 1600 लेवल का पेगासस, जो यहाँ पे हमको उस बंदर को मारने में हेल्प करेगा। एक मिनट रुक जाओ मेरे को, अबे उड़ना यहाँ पे, अरे थ्रो डी ड्रैगन नहीं भाई, ये इससे पंगा नहीं लेना फिलहाल के लिए। यही है क्या वो? आई डोंट नो कहाँ पे मरा है भाई, बंदर से तो मरा था लेकिन कहाँ पे? आई डोंट नो भाई, यहाँ पे इतने डिमोनिक डायनोस की हुए, आई थिंक मैं इस तरफ कहीं पे मरा था, नदी के सामने भाई, ठीक है? जितना मेरे को याद आ रहा है ना, मैं नदी के सामने मरा था। प्राइवल वाली है कि यहाँ पे मेगलोडन दिखाई दे रही है गाइस मेरे को, ठीक है? उसको भाई बाद में पेलूंगा, पहले जो ना गाइस मेरे को मेरे फिरॉक्स को बचाने का काम कर लेना है। ओह कम ऑन फिरॉक्स, दिख जा भाई, कहाँ पे मरा था? अभी यहीं पे कहीं पे सामने की तरफ मरा होगा। हाँ वो रहा, नाइस ने बर्निंग अटैक, इस गेल तो भाई काफी ज्यादा डाउन है। बंदर कहाँ पे? वो बेस का एक बार को बंदर दिखा पाए, उसकी तो बैंड बजा दू। मार दिया क्या तूने? ए फिरॉक्स तू मार दिया क्या उसको? वेट अ मिनट, फिरॉक्स ने उसको चेप डाला क्या? ओ शायद फिरॉक्स ने उसको चेप डाला गाइस। वाह बेटे वाह, मैं खाम का टेंशन ले रहा था, इसको देख रहा हूँ गाइस हम मैक्स लेवल का भी अभी तक कर नहीं पाए, ठीक है? इसको हीलिंग पोशन मैंने खिला दिया है भाई, ठीक है? प्राइमल वाली भाई बहुत सारे मेगलोडन पानी में भाई यहाँ पे घूम रहे, इसका डैमेज देखना चाहोगे गाइज? देखो डैमेज, ओ यस, अरे फट क्यों नहीं रहा? बाप रे कितना गहरा पानी है भाई यहाँ पे, पानी तो बहुत ज्यादा गहरा है यार। ले बेटा मर जा भाई, पानी काफी गहरा है, देखो भाई फट जा, फटा भी नहीं, कितना गहरा पानी है वहां पे नीचे साइड, पता भी नहीं चल रहा गाइज। ये कर लो पहले भाई, खतरनाक भाई, यहाँ पे बम डाल दे, यहाँ पे बम डाल दे, मैक्स लेवल नहीं हुआ है लेकिन मैक्स लेवल हो जाएगा भाई। गाइस डैमेज डैमेज एक ही नहीं गाइस, एक ही नहीं डैमेज तुम्हारे भाई के इस खतरनाक से फिरॉक्स का है। पानी से बाहर निकल, पानी में नहीं तू कुछ कर पाएगा बेटा, लाड़ में नहीं आना चाहता। ले बेटा उड़ा डाल इस मेगलोडन को, उड़ा भेज के, आई शाबाश, उड़ा उड़ा उड़ा, एक और फटका दे। हाँ भाई खत्म खत्म, हेल्थ तो खत्म होगी भाई इसकी काफी ज्यादा, उड़ा आई शाबाश, 3 मिले नहीं क्या? आ रही है मेरी तरफ आ रही है गाइस ये, ठीक है रुक जाओ, वेट अ मिनट। ले बेटा, अरे यार एक काम कर लेना, दूसरा अटैक कर देना इसके ऊपर,
आ बम चिकी चिकी बम बम अटैक कर दे इसके ऊपर, बम चिकी चिकी बम बम आई ले अभी बढ़िया। हाँ यस, और कोई अटैक है क्या, और कोई अटैक? हाय खतरनाक खतरनाक, मार दे मार दे। मेरे लड़ों की पेटी बना भेज क्या, पेटी बना भेज क्या किसकी? आई शाबर ओ हे, इसने भी 314 मिलियन का डैमेज दिया क्या गाइस? ये बताना मेरे को गाइस, इसने 314 मिलियन का डैमेज दिया क्या, या फिर मेरे देखने में कोई गलती हो गई? कमेंट करके नीचे बता देना भाई, मेरे को समझ में ना रहा है डैमेज कितना दे रहा है इसके आगे। नहीं 314 मिलियन का डैमेज दिया होता तो मेघलाडन अभी तक चिंता थोड़ी होती है भाई, सिंपल सी बात है भाई। अरे बेटा मेघलाडन कैसी है? लाड़ने आ रही है, लाड़ने आ रही है घर पे, घर पे मेघलाडन होगी घर पे, यहाँ पे नहीं भाई। चेप डाला भेज क्या तुम्हारे भाई ने गाइस, जब इस मेघलाडन की तो हवा टाइट कर दी भाई। वैसे प्राइमल वाला ब्लड और हाइट जो है ना गाइस वो मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है ना गाइस बैकअप के लिए थोड़ा सा प्राइमल ब्लड और थोड़ा सा हाइट जो है ना गाइस मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। इनकेस अगर मेरे घर पे नहीं रहा ना तो मेरे काफी काम आने वाला है। मैक्स लेवल का फिरॉक्स हो चुका है, 717 लेवल का गाइस अपना ओपी वाला फिरॉक्स है, और इससे जो है ना गाइस अपन बॉसेस की मस्त बिकी भुर्जी बनाने वाले भाई, ठीक है? एकदम मस्त बिकी खतरनाक वाली भुर्जी बनाने वाले। निकल भेज क्या गावे भाई, अभी देखना मेरा डैमेज भाई, देखो डैमेज भाई। बम फटा कहाँ पे, फटेगा फटेगा बम, ए भाई बम 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 फेंक बम फेंक। ले बेटा आई शाबाज, 44 मिलियन कहाँ पे, 4 मिलियन डैमेज देने वाला हमारा पेगासस, और कहाँ पे 44 मिलियन डैमेज देने वाला ये हमारा खतरनाक सा फिरॉक्स गाइस। क्या बोल दी पब्लिक, एक ही नहीं खतरनाक फिरॉक्स, आप बोल रहे थे फिरॉक्स टेम करो, फिरॉक्स टेम कर लो, ये रहा भाई तुम्हारे लिए भाई तुम्हारा खतरनाक सा फिरॉक्स। इसका बिलियन में डैमेज बिल्कुल नहीं जाने वाला क्योंकि ये बूस्टेड सर्वर नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ भाई, ठीक है? इसका डैमेज जो रहेगा इस बिलियन में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हाँ मिलियन में जा रहा है ना उतना ही जाएगा भाई, उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं करना चाहता भाई, ठीक है? ले बेटा आई शाबाश खतरनाक भाई, ओ भाई अभी लग रहा है प्रामोल फिर खेल रहा हूँ। कौन है रे ए, यहाँ पे मैंने किसी भाई ऐसा इंटुकले पिंटुकले चिंटुकले से डिमोनिक को देखा था रे। एक काम कर, पहले इसको ट्रैकर खिला दे, बाद में भाई जो भी करना है कर ले भाई, ठीक है? ट्रैकर लेके नहीं आया, कहाँ से खिलाऊ मैं कहा? अबे भाई लो कौन, अरे तूने डरा दिया भाई अंकल, भाग माँ की आग इस गया भाई, डरा दिस भाई मैं लो, ऐसा कौन डराता है भाई? मेरे को लगा कैसे डिमोनिक ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया गाइस, सच में भाई मेरे फटके हाथ में आ गई भाई। मैं बोला अभी अभी तो जस्ट एक डिमोनिक से बचाओ भाई, वापस से मर जाऊंगा क्या? लेकिन गाइस बच गया मैं। ये रे डिमोनिक को देखो, डिमोनिक को देखो, डिमोनिक अरे ए इंटुकले पिंटुकले चिंटुकले कल आना, कल हां कल 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 बेटा कल आना। डिमोनिक सोल मिल गई मतलब उस बंदर की बैंड बच गई वहां पे। तो गाइस वहां पे जो ना गाइस जो भाई आग बिग भाई चल रही है ना गाइस वो जरा वहां पे बुझने दो, उसके बाद आपको जलवा दिखाता भाई, ठीक है? देखो ये होती है असली पावर फिरॉक्स की। देखो डेड बॉडी इज दाब्रो, देख रहे हो गाइज पड़ी कि नहीं डेड बॉडी? ए टिकटॉक वाला जोकर भी है, इसको टेम कर लो क्या अगले एपिसोड में? 285 लेवल का है पपॉन वाला। वैसे पपॉन वाले भाई डायनोस टेम करने का मन तो कर रहा है लेकिन अभी मैं करूंगा नहीं भाई, ठीक है? बाद में कभी देख लेंगे गाइज, ठीक है? तो गाइज कैसे लग रहा है हमारा फिरॉक्स भाई? इससे जो ना गाइज मैं यहाँ पे जो ना गाइज एक खतरनाक है एंड ओपी से जो ना गाइज ओरिजिन को मारना चाहता हूँ भाई। मेरे को करनी ओरिजिन फाइट भाई, लेकिन ओरिजिन फाइट अपन ऐसे कर नहीं सकते तो अपन को जाना पड़ेगा एसगार्ड में। अभी आप बोलोगे एसगार्ड में क्यों जा रहा हूँ? तो गाइज वहाँ पे मैं जा रहा हूँ लेने के लिए खतरनाक सी चीज़, और वो चीज़ है गाइज आर्टी फैक्ट भाई, ठीक है? इस मैप पे कहाँ पे आर्टिफैक्ट मिलता है मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है भाई, ठीक है? हाँ एक जगह तो पता है, वो एक ऐसे नहीं वहाँ पे आर्टिफैक्ट नहीं मिलता ना, वाइकिंग वाले एक केव है वहाँ पे आर्टिफैक्ट मिलता है कि नहीं मेरे को पता नहीं उतना भाई, थोड़ा सा याद नहीं है मेरे को। मैं गया तो था उस केव में लेकिन मेरे को याद नहीं है, लेकिन एसगार्ड में एक केव तो है जहाँ पे आर्टिफैक्ट मिलता है, और वही आर्टिफैक्ट अभी तुम्हारा भाई जो ना ढापने के लिए जा रहा है एकदम मस्त है बेके भाई, ठीक है? और वहाँ से एकदम खतरनाक एंड ओपी सा आर्टिफैक्ट लेके आएगा, और हमको चाहिए बदला, एक बदला लेना भी बाकी है गाइस, ठीक है? जिस डायनो ने हमारे पेगासस को मारा था भाई, ठीक है? खतरनाक से वो डिवाइन फॉलन जो भी पेगासस था उसको मारा था ना गाइस, उस बेस क्या स्पिरिट वाले वाइवरन से पंगा मेरे को लेना है भाई, ठीक है? मेरे को पंगा नहीं लेना, मेरे को उससे बदला लेना है भाई, ठीक है? सिंपल सी बात है भाई, ठीक है? आ जाओ चलो भाई, आज तो यहाँ से एक आर्टिफैक्ट लेके ही जाएगा तेरा भाई। किधर है रे गुफा ये रही, चल आ जाओ। कौन आ रहा है, कौन है रे? माइकल लाल बेस क्या, आ जाओ भाई जिसमें दम है हमारे सामने, आ जाओ भाई बेस क्या, एक एक बैट बजा दो भाई। ये ट्रैकर बना सकता हूँ क्या मैं? सीमेंटिंग बेस नहीं है भाई, सीमेंटिंग बेस नहीं है, मेटल इनगट नहीं है, वरना ट्रैकर बड़े आराम से बना लेता भाई। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिरॉक्स की स्पीड तो है यार, अभी आप बोलोगे इसका डैमेज दिखाओ यार असली वाला एकदम खतरनाक सा, तो डैमेज जो है ना गाइस भाई वो आपको कैसे ही दिखाओ मैं भाई, समझ में नहीं आ रहा है। लो 9 मिलियन डैमेज भाई, ठीक है? इससे ज़्यादा तो इसके बम का डैमेज है भाई,
ले बेटा मेरे को इस वाइब में आना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब भी अपन इस वाइब में आते हैं ना उसके बाद गेम की माँ की आँख हो जाती है। जैसे कि गाइज यहाँ पे जो ना अभी इस वाइब में मैं आया हूँ ना तो क्या होएगा पता है क्या गाइज, अरे खतरनाक भाई 24 मिलियन का डैमेज दे रहा है। अगर मैं अपने रियल वाले वाइब में जाऊँगा ना तो वहाँ पे सनलाइट जो है ना गाइज वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा ग्लिच होते ही रहता है भाई। ये देख रहे हो भाई ये स्काई क्वालिटी ऐसी क्यों दिख रही है मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। ठीक है यहाँ पे मैं फिरॉक्स को लेके नहीं जा सकता क्योंकि फिरॉक्स उड़ नहीं सकता भाई। ठीक है फिरॉक्स जो ना गाइस वो उड़ नहीं सकता तो उसको लेके अपन जा नहीं सकते। तो चले गाइस लेके चलते हैं भाई डिवाइन पेगासस को, डिवाइन है या फॉलन है बेटा, फॉलन पेगासस को, और हमारा बदला पूरा करके आते हैं भाई। ठीक है फॉलन पेगासस ठीक है भाई, यहाँ पे एक स्पिरिट वाले वाइब्रेंट ने हमारे फॉलन पेगासस को ही मारा था भाई। ठीक है उसकी इतनी हिम्मत हो गई थी कि हमारे फॉलन पेगासस को मारेगा। अभी उसको बताता, एक काम कर ले जिस काम के लिए आए थे वो काम कर लेते। सबसे पहले मैंने एक टेलीपोर्टर बनाया था यहाँ पे इसी वाइब में लगाने के लिए, ताकि इनकेस अगर मेरे को यहाँ से भाई आर्टिफैक्ट लेने हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे टेलीपोर्ट मार पाऊँ भाई। ठीक है तो आर टी फैक्ट एस गार्ड लग दो क्या, एस गार्ड वाला आर्टिफैक्ट लिख देता ना भाई ताकि मेरे को याद रहे भाई। ठीक है चलो आ जाओ लेट्स गो गाइस, हमको चाहिए बदला बेस कैक ना भाई, हमारे हमारे भाई डायनो से पंगा लेगा। आर ना भाई हम हमारे पेगासस से ना हो पाएगा भाई, हमारे पेगासस से भाई ना हो पाएगा। मैं उस वाइब्रन को पेगासस से तो बिल्कुल भी नहीं मार पाऊंगा, ओरिजिन वाला वाइब्रन है भाई। मेरे को लगा था स्पिरिट वाला है, स्पिरिट वाले को ऐसा एक दो फटके दे दूंगा उसकी पैंट डायरेक्टली वहीं पे बच जाएगी, लेकिन ओरिजिन वाला वाइब्रन ना भाई वो मर नहीं पाएगा यार मेरे से। अगले एपिसोड में अच्छी बात है, चलो गाइस हमको एक ओरिजिन वाइब्रन मिल रहा है उसको अगर अपन मार पाए ना तो भाई उससे मेरे को आर्मर का सेट मिल जाएगा ओरिजिन वाला। तो गाइस ओरिजिन भाई सेट का जो ना का जुगाड़ तो हो गया समझ लो। अगले एपिसोड में फिरॉक्स को बाहर निकालूंगा, उसको एफएम के पोशन खिलाना बाकी है तो उसको एफएम के पोशन खिलाएंगे, एंड उसके बाद डायरेक्टली उस खतरनाक से जो ना गाइस ओरिजिन वाइब्रन से पंगा लेने का काम जो ना गाइस वो तुम्हारा भाई करने वाला है अगले एपिसोड में। तो फिलहाल के लिए ये क्या हुआ, मैं जस्ट अभी नीचे था, मैं डायरेक्टली आसमान की ऊंचाइयों पे कैसे आ गया, कोई ग्लिच है क्या समझ में नहीं आ रहा भाई। चलो ठीक है कोई ना, तो गाइस आज का एपिसोड फिलहाल के लिए आर्क सर्वाइवल इवोल्व का प्राइमल फेयर का यहीं पे खत्म होता है। फिरॉक्स जो ना गाइस हमारा खतरनाक सा, वो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके बता देना। फिरॉक्स की असली पावर अगर आपको देखनी है तो अगला एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि अगले एपिसोड में आपको बताया कि किसके साथ अपनी फाइट होने वाली है। तो गाइस हाँ, और एक और बात गाइस, अपना जो प्यारा प्यारा सा भाई राम दुलारा सा फिरॉक्स है ना गाइस, उसका जेंडर जो है ना गाइस वो है मेल। तो हमारे इस मेल वाले खतरनाक से फिरॉक्स के लिए एकदम डेंजरस और खतरनाक से नाम जो है ना गाइस वो नीचे कमेंट सेक्शन में डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं तब से अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल बोल के प्राइमल फियर के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। बट इट्स टू लेट नाउ, आई रिमेंबर यू एंड मी एंड हाउ केयरलेस वी बी ऑल डे एंड ऑल नाइट, वी स्टे अप इट फेल्ट सो राइट, we were so young, we were so dumb, we would get drunk.